हेलो दोस्तों दोस्तों आज हम विद्या निकेतन स्कूल का ये पीरियोडिक टेस्ट हुआ था इसको आज हम सॉल्व करेंगे। और इसके अगर सिलेबस की बात करें तो इसके अंदर नेशनल इनकम के दो न्यूमेरिकल जो है वो पूछे गए हैं, और इसके अलावा इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो बुक है उसमें ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस और इंडियन इकोनॉमी 1950 में प्लानिंग और एग्रीकल्चर से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो आइए दोस्तों इसको हम सॉल्व करते हैं। तो देखिए जो पहला क्वेश्चन से पूछा गया है वो ये है, फॉर अ क्लोज इकोनॉमी विद नो फॉरेन ट्रेड विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, और आपको चार ऑप्शन यहां दिए गए हैं। ठीक है जी, तो सबसे पहले बात करते हैं कि देखो अगर फॉरेन ट्रेड नहीं हो रहा है इसका मतलब NFIA का कोई रोल यहां पे नहीं है। विदेशों से आने वाली इनकम NFIA का कोई रोल नहीं है, यानी कि जो डोमेस्टिक इनकम होगी वही नेशनल इनकम होगी। तो इसके अंदर जो ऑप्शन ए दिया गया है वही इसका आंसर है। तो इसका आंसर लिखेंगे आंसर वन, और इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन ए, क्योंकि इसके अंदर ही GDP बराबर है GNP के। ठीक है जी, बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर टू करते हैं। क्वेश्चन नंबर टू कह रहे हैं द शैकल्स ऑफ एग्रीकल्चर ड्यूरिंग द कोलोनियल रूल वॉज परमानेंटली ब्रोकन बाय द ग्रीन रेवल्यूशन दैट रिजल्टेड फ्रॉम द एप्लीकेशन ऑफ डैश, यानी कि जो एग्रीकल्चर में शैकल्स यानी कि जो बंधन आ गया था एग्रीकल्चर के अंदर, यहां पे स्टैग्नेशन वर्ड का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, जो एग्रीकल्चर में स्टैग्नेशन आ गया था, शैकल्स आ गया था कोलोनियल रूल अंग्रेजों के पीरियड के दौरान, उसको परमानेंटली खत्म कर दिया ग्रीन रेवल्यूशन ने, जो हुआ था किसकी वजह से, और यहां पे आपको ऑप्शन दिए गए हैं चार। ठीक है जी, तो जो इसका सही आंसर है वो है अल्टरनेटिव में बात करो, जो इसका सही अल्टरनेटिव है वो है बी, यानी कि ऑप्शन वन टू थ्री तीनों ही कारण थे जिसकी वजह से ग्रीन रेवल्यूशन हुआ था। तीन कारण कौन कौन से लिखा है इसके अंदर, HYV सीड्स, मैकेनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर, केमिकल फर्टिलाइजर एंड पेस्टिसाइड्स। फोर्थ ऑप्शन जो दिया गया है वो गलत है, ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर पेस्टिसाइड्स नहीं थे, वो बाद में है, वो उस वक्त केमिकल की वजह से हुआ था। ठीक है जी, तो इसका आंसर होगा वो होगा बी, अल्टरनेटिव बी इसका आंसर होगा। आंसर टू की बात करते हैं तो आंसर टू होगा बी। ठीक है जी, चलिए जी अब क्वेश्चन नंबर थ्री पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर थ्री कह रहा है ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल इन इंडिया इंडियन एग्रीकल्चरल आउटपुट विटनेस्ड स्टैग्नेशन ड्यू टू, देखो स्टैग्नेशन वर्ड यहां पे यूज कर लिया है, तो इंडियन एग्रीकल्चर में स्टैग्नेशन आया था किसकी वजह से, ब्रिटिश रूल ऊपर पूछा है कि उस स्टैग्नेशन को खत्म कर दिया था ग्रीन रेवल्यूशन ने किसकी वजह से, यहां पूछा है कि वो स्टैग्नेशन आया किसकी वजह से था, तो भाई इसका जो आंसर है वो है सी, लैंड सेटलमेंट सिस्टम। सिस्टम नहीं लिखा यहां पे, लैंड सेटलमेंट। ठीक है, अभी समझाते हैं कैसे। तो इसका जो आंसर होगा आंसर थ्री वो होगा सी, लैंड सेटलमेंट सिस्टम। दरअसल ये सिस्टम ऐसे था कि इसी को ही हम जमींदारी सिस्टम बोलते हैं। जमींदारी सिस्टम में ये था कि अंग्रेजों ने सारे किसानों से जमीनें छीन ली थी और एक जमींदार को अपॉइंट किया था, वो जमींदार ही पूरे लैंड का मालिक माना जाएगा। ठीक है भाई, और वो जमींदार जो था लैंड के डेवलपमेंट पे, खेतों के डेवलपमेंट में बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता था, इसकी वजह से एग्रीकल्चर में स्टैग्नेशन आया था। तो आंसर होगा लैंड सेटलमेंट सिस्टम यानी कि जमींदारी सिस्टम, यानी कि ऑप्शन सी। चलिए जी अब करते हैं क्वेश्चन नंबर फोर। तो वो है इन द फर्स्ट फेज ऑफ ग्रीन रेवल्यूशन आउटपुट वॉज रिस्ट्रिक्टेड मेनली टू, और चार ऑप्शन आपको दिए हुए हैं। तो भाई पहले फेज में जो ग्रीन रेवल्यूशन हुआ था उसके पहले फेज में केवल वीट ग्रोइंग एरिया और थोड़ा बहुत राइस, यही तक ही ग्रीन रेवल्यूशन गया था, उसके बियॉन्ड वो नहीं जा पाया था, पहले फेज की बात कर रहे हैं। तो आंसर होगा बी, वीट एंड राइस। तो आंसर इसका बी है, आंसर हो जाएगा आंसर फोर हो जाएगा बी, वीट एंड राइस। ठीक है जी, अब आंसर फाइव के बारे में चर्चा करेंगे। आंसर फाइव तो बहुत ही इजी है, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा हुआ है। डैश इज नोन एज द आर्किटेक्ट ऑफ इंडियन प्लानिंग, इंडियन प्लानिंग का आर्किटेक्ट किसे कहा जाता है, आर्किटेक्ट का मतलब उसको बनाने वाला, उसको पूरा फॉर्म इंडियन प्लानिंग को किसने किया था,
बिल्कुल सही जवाब आपने सही पहचाना, पीसी महाला नोबिस, प्रशांत चंद्र महाला नोबिस वो व्यक्ति थे। सेकंड फायर प्लान से उनका इंपॉर्टेंस उभर के आता है, तो बी है आंसर, पीसी महाला नोबिस, पीसी महाला नोबिस। ठीक है भाई, आंसर सिक्स और कर लेते हैं, ये सारे एमसीक्यू हैं, आंसर सिक्स और कर लेते हैं हम। कह रहे हैं आइडेंटिफाई द करेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ द गोल्स ऑफ इंडियन फाइव ईयर प्लान। देखो भाई क्वेश्चन को समझते क्या कह रहा है, क्वेश्चन ये कह रहा है कि जो इंडियन इंडिया ने जो फाइव प्लान अपनाए थे उन फाइव ईयर प्लान के भी गोल थे, चार गोल थे और फाइव ईयर प्लान के, ठीक है, क्या थे, ग्रोथ, मॉडर्नाइजेशन, सेल्फ रिलायंस और इक्विटी। ठीक है जी, देखिए कहां लिखा है ये ऑप्शन में, ये लिखा है ऑप्शन डी में लिखा है, ग्रोथ मॉडर्नाइजेशन भी लिखा है, देखो सेल्फ रिलायंस भी लिखा है और इक्विटी भी लिखा है। इक्विटी वर्ड का इस्तेमाल होगा, इक्वालिटी वर्ड जो ऑप्शन ए में लिखा है ना इक्वालिटी, उस शब्द का इस्तेमाल नहीं होगा। इक्वालिटी का मतलब होता है सबकी इनकम को बराबर कर देना, तो भैया ये नहीं है कि सबकी इनकम बराबर कर देंगे, एक डॉक्टर की और एक झाड़ू वाले की इनकम बराबर कर देंगे ऐसा नहीं है, इक्विटी लेके आएंगे। इक्विटी का मतलब होता है कि देश के सभी लोग कम से कम मिनिमम बेसिक रिक्वायरमेंट को पूरा कर सके ऐसा काम करेंगे। ठीक है, तो आपको अंतर समझ में आ गया होगा इक्वालिटी और इक्विटी के बीच में। ओके फाइन, तो इसका जो आंसर होगा वो होगा डी, ग्रोथ इक्विटी मॉडर्नाइजेशन सेल्फ रिलायंस, आंसर डी। तो सिक्स का जो आंसर है वो है डी। ठीक है भाई, बहुत बढ़िया। तो पहले पेज पर ये छह क्वेश्चन दिए गए थे, अब देखते हैं दूसरे पेज पर क्या है, सेकंड जो पेज है इसका पीछे क्या लिखा हुआ है। भाई यहां पे आ गया है एक नेशनल इनकम के न्यूमेरिकल फॉर्म में क्वेश्चन दिया हुआ है, तो इसका न्यूमेरिकल हम करेंगे। तो सबसे पहले काम करते हैं, इसको मिटा देते हैं, ये रहा हमारा डस्टर और ये आपने लिख ही लिया होगा, हाँ इसको मिटा देते हैं। अब नेशनल इनकम का न्यूमेरिकल करेंगे, तो जनाब ये है आपका क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेवन, तीन नंबर का ये क्वेश्चन है। इससे पहले के सारे क्वेश्चन वन वन मार्क के थे, एमसीक्यू थे। कह रहा ऑन द बेसिस ऑफ द गिवन डेटा एस्टिमेट द वैल्यू ऑफ डोमेस्टिक इनकम, यानी कि डोमेस्टिक इनकम निकालनी है, डोमेस्टिक इनकम को बोलते हैं एनडीपीएफसी, और इसमें कोई भी मेथड का नाम नहीं दिया गया है, यानी कि अब आपको खुद सारे आइटम्स को पढ़ के पहचानना पड़ेगा कि यार यहां पे कौन से मेथड का इस्तेमाल होगा। तो अगर हम देखें तो पहले लिखा हुआ है हाउस होल्ड कंजप्शन एक्सपेंडिचर, ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, चेंज इन स्टॉक लिखा हुआ है इसके अंदर, है ना, और गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर, तो यार साफ साफ है एक्सपेंडिचर मेथड से होगा। ठीक है, तो चलिए इसको करते हैं। तो सबसे पहले एक्सपेंडिचर मेथड में जीडीपी एमपी निकलता है, तो हम यहां निकालेंगे आंसर सेवन, लिखेंगे यहां पे आंसर सेवन और जीडीपी एमपी यहां पे निकलता है, प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर पीएफसीई प्लस गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर, है ना, यही था ना, पहले सारे फॉर्मूले लिख रहा हूं, उसके बाद ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन शायद मैंने बहुत ज्यादा ऊपर लिख दिया है, पर शायद आपको समझ में तो आई रहा होगा, दिख ही रहा होगा, है ना, कैपिटल फॉर्मेशन लिखा है ये। ओके फाइन, चलिए जी, उसके बाद क्योंकि यहां पे फिक्स लिखा हुआ है इसलिए चेंज इन स्टॉक भी आएगा इसके अंदर, प्लस चेंज इन स्टॉक प्लस नेट एक्सपोर्ट। ठीक है जी, तो अब ये वैल्यू आपको दी हुई है, आपको इसमें वैल्यू ढूंढनी और लिखनी है आपको। देखो जी, प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर इसको नए नाम से दिया हुआ है, पहला ही पॉइंट है हाउस होल्ड कंजप्शन एक्सपेंडिचर 600, सारी वैल्यू रुपीस करोड़ में दी हुई है, तो हम लिखते हैं 600 प्लस गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर, ये क्वेश्चन में गिवन है नंबर फोर, देखिए चेन स्टॉक के नीचे गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर 200 दिया हुआ है आपको, है ना, तो ये लिख दिया हमने 200 प्लस ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन गिवन है 200, तो ये भी लिख दिया हमने 200। उसके बाद आपको दिया हुआ है चेंज इन स्टॉक लिखना, क्योंकि फिक्स दिया हुआ है चेंज स्टॉक आएगा इसके साथ, चेंज स्टॉक दिया 40, तो प्लस कर देंगे 40 और प्लस है नेट एक्सपोर्ट क्या है, देखो जरा नेट एक्सपोर्ट दिया माइनस 40, ये दिया आपको माइनस
40, तो यहां जीडीपीएम पे निकलेगा आपका, ठीक है। तो प्लस 40 माइनस 40 कट जाएगा, तो सिर्फ ये बच जाएगा 600, 200, 800, 900, 1000, तो ये आ जाएगा 1000 करोड़। ये जीडीपीएमपी आया भाई, ध्यान रखना जीडीपीएमपी। ओके, अब इस जीडीपीएमपी को कन्वर्ट करना पड़ेगा डोमेस्टिक इनकम में, जिसे बोलते हैं एनडीपीएफसी। तो यहां लिखेंगे हम एनडीपीएफसी, ब्रैकेट में लिख सकते हैं हम डोमेस्टिक इनकम, डोमेस्टिक इनकम, और वो निकलती है इस तरीके से कि जीडीपीएमपी, जीडीपीएमपी माइनस डैप माइनस एनआईटी। तो जीडीपीएमपी आया आपका 1000 माइनस डैप, डेप्रिसिएशन बोलते हैं इसको, और वो लिया हुआ है आपको लास्ट में, दिया हुआ है आपको कंजप्शन ऑफ फिक्स कैपिटल। देखो भाई ये डेप्रिसिएशन का दूसरा नाम है, कंजप्शन ऑफ फिक्स कैपिटल 40 दिया हुआ है। तो यहां लिख देंगे हम 40 माइनस एनआईटी, मतलब नेट इनडायरेक्ट टैक्स, नेट इनडायरेक्ट टैक्स गिवन है, देखो नंबर 6 पे दिया हुआ है आपको नेट इनडायरेक्ट टैक्स 120, ठीक है भाई। तो माइनस 120, तो 1000 माइनस ये 4, 5, 6 है ना, ये हो जाएगा 120 है ना, ये नेट इंडेक्स 120 है और डेप्रिसिएशन आपका 40 है, तो 160 हो जाएगा ये ना, 4, 5, 6, तो 1000 में से 60 जाएंगे तो शायद 840 बचना चाहिए, है ना। तो जरा कैलकुलेटर से करके देखते हैं, 1000 माइनस 40 माइनस 120, तो ये बनता है आपका 840, तो 840 आपका एनडीपीएफसी, एनडीपीएफसी आ चुका है, यही आपका आंसर है। आंसर को आप जानते हैं बॉक्स में आपको डालना पड़ता है, तो यहां पे जीडीपीएमपी को हमने बॉक्स में डाल दिया है और यहां पे एनडीपीएफसी को बॉक्स में डाल दिया। और हां, यहां पे करोड़ लगाना ना भूलें, क्योंकि ये सारी वैल्यू करोड़ में दी हुई है, ठीक है भाई। तो भाई ये हमने क्वेश्चन कर लिया है, क्वेश्चन नंबर 7। अगर कोई भी प्रॉब्लम आपको आ गई तो प्लीज आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, ओके। चलिए जी, अब इस क्वेश्चन को मिटा देते हैं, इतना ही करना। बाकी के जो एलिमेंट्स हैं एनएफआई में नहीं आएगा, क्योंकि वो नेशनल इनकम में आता है, यहां पे हमने डोमेस्टिक इनकम निकालना है, डोमेस्टिक इनकम है, ठीक है, फाइन। अब इसको मिटा देते हैं, इस क्वेश्चन को हमने मिटा, ये क्वेश्चन हमारा हो गया है, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर एट ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस चैप्टर से पूछा गया है, और ये ड्यूरिंग द कॉलोनियल पीरियड अ नंबर ऑफ सोशियो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स वर इन अ डिलैपिडेटेड स्टेट, लिस्ट एनी 3 सच इंडिकेटर्स दैट लेड टू द वॉर्सनिंग ऑफ इंडिया डेमोग्राफिक प्रोफाइल। पहले तो आपको स्टेटमेंट दी गई है, फिर नीचे क्वेश्चन पूछा गया है, लिस्ट एनी 3 सच इंडिकेटर्स That led to the worsening of India's demographic profile. मतलब जनता के बारे, demographic profile वाला क्वेश्चन है, यानी कि जनता के बारे में बताइए कि जनता के हालात कैसे थे ब्रिटिश पीरियड में। worsening, उसने खुद ही लिखा है worsening, worsening मतलब खराब होते हालात थे, सही बात है। तो इसके, इसका काफी बड़ा आंसर बन सकता है, जैसे उस वक्त हाई डेथ रेट और हाई बर्थ रेट थी, इसका मतलब अंग्रेजों ने भारत की जनसंख्या को कंट्रोल करने के लिए कोई काम नहीं किया, स्वास्थ्य सेवाएं बहुत बुरी थी, ये भी हम कह सकते हैं। इसके अलावा लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो होती है वो उस समय 44 साल थी, 44 इयर्स, ये सुन के बड़ा ही आपको हैरानी होगी कि 44 इयर्स लाइफ एक्सपेक्टेंसी, मतलब एक एवरेज इंसान 44 साल तक ही जीता था। दरअसल ये एवरेज लिया गया है, ठीक है, ये सब एक एक व्यक्ति की नहीं है, ये एवरेज लिया गया है, और एवरेज कम इसलिए आ गई है क्योंकि वहां पे ना, जैसे मतलब महामारी आ गई, कोई बीमारी होगी तो बहुत सारे लोग मर जाते थे, तो एवरेज कमी आई है, ठीक है। उसके बाद इसमें एक पॉइंट बनता है इन्फेंट मॉर्टलिटी रेट, यानी कि जब बच्चा पैदा होता है तो एक साल के अंदर अंदर 1000 बच्चों में से कितने बच्चों की मौत हो जाती है, वो इन्फेंट मॉर्टलिटी रेट है, जो काफी हाई था उस वक्त। इसके अलावा लिटरेसी रेट बहुत लो था भारत का अंग्रेजों के शासनकाल में, है ना, लिटरेसी रेट कहते 16% था, उसमें से भी 7% जो था वो था वुमेन का, ऐसा कहते हैं, ठीक है। तो ये सारे इंडिकेटर्स है जो आप लिख सकते हो, 3 नंबर क्वेश्चन है, कोई भी 3 पॉइंट आप इसके अंदर लिख सकते हो। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 में ही और दिया हुआ है, और है
द प्री इंडिपेंडेंस इंडियाज ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर एक्सपीरियंस्ड ग्रोइंग रीजनल वेरिएशंस जस्टिफाई द अबव स्टेटमेंट विद वैलिड एक्सप्लेनेशन। भाई ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर आप जानते हैं कि भाई ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर का मतलब होता है कि कितने भारत के जो लोग हैं वो किस किस क्षेत्र में लगे हुए हैं। क्षेत्र में लगे हुए का मतलब यह है कि वो प्राइमरी सेक्टर में कितने हैं, सेकेंडरी सेक्टर में कितने हैं, टर्शियरी सेक्टर में कितने हैं, इसकी बात वो कर रहा है। ठीक है, तो जाहिर सी बात है यार, प्राइमरी सेक्टर में बहुत ज्यादा लोग लगे हुए थे क्योंकि पूरा एक ऑक्यूपेशन जो था पूरा भारत का एग्रीकल्चर पे ही डिपेंडेंट था, तो प्राइमरी सेक्टर में सारे लोग लगे हुए थे ज्यादा 75% के आसपास। सेकेंडरी सेक्टर में कुछ लोग थे 10% के आसपास, और जो बाकी बचे हुए थे वो सर्विस सेक्टर में, टर्शियरी सेक्टर में लगे हुए थे। और इसमें जो बताया गया कि रीजनल वेरिएशंस, भाई बहुत ही रीजनल वेरिएशन, क्योंकि कुछ स्टेट्स ऐसे थे जहां पे एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंस बहुत ज्यादा था, जैसे जैसे पंजाब हो गया, उड़ीसा हो गया, राजस्थान हो गया, इन स्टेट्स पर एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंस बहुत ज्यादा था, और कुछ स्टेट्स पर एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंस बहुत कम था, बहुत मतलब ठीक ठीक था, कम था, वहां पे इंडस्ट्रीज डेवलप हो चुकी थी। कौन से स्टेट्स हो गए ये वाले, ये स्टेट्स तो महाराष्ट्र हो गया, साउथ के कोई भी स्टेट्स उठा लो वो हो गया, है ना, बंगाल हो गया, वहां पे जूट मिल्स वगैरह थी, महाराष्ट्र में कॉटन मिल्स वगैरह थी, साउथ इंडिया जो था वो भी इंडस्ट्री में थोड़ा थोड़ा कर ही रहा था। ठीक है, तो ये रीजनल वेरिएशंस यहां पे थी। ओके भाई, तो ये वाला मामला हमने खत्म कर दिया है। क्वेश्चन नंबर 9 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है ग्रीन रेवोल्यूशन ट्रांसफॉर्म्ड इंडिया फ्रॉम अ सब्सिस्टेंस फूड ग्रेन इकोनॉमी टू अ फूड सरप्लस इकोनॉमी। ठीक है, जस्टिफाई द स्टेटमेंट गिवन रीजन गिविंग रीजन इन सपोर्ट ऑफ योर आंसर। पहले वो ग्रीन रेवोल्यूशन, इसने बहुत बेहतरीन काम किया। ग्रीन रेवोल्यूशन से पहले भारत की इकोनॉमी ठीक ठाक सफिशियंट मात्रा में ही फूड ग्रेन उगा पाती थी। सबसिस्टेंस वर्ड का यहां पे मतलब किया कि मतलब उतना ही उगा पाते थे कि जितना हम खुद खा सके, सेल्फ कंजप्शन उसको कर सके। कई बार हमें इंपोर्ट भी करना पड़ता था अमेरिका से, गेहूं वीट हमें इंपोर्ट करना पड़ता था, ये हालात थे हमारे। लेकिन ग्रीन रेवोल्यूशन ने आने के बाद भारत की इकोनॉमी को सरप्लस में ले आया। वो मतलब इतना जबरदस्त फूड ग्रेन का प्रोडक्शन हुआ इंडिया के अंदर कि भारत एक सरप्लस इकोनॉमी के अंदर कन्वर्ट हो गया। तो इसमें कुछ नहीं करना है, ग्रीन रेवोल्यूशन के 3 फायदे लिखने हैं। ठीक है जी, तो मार्केटेबल सरप्लस पहला फायदा हो गया, बफर स्टॉक दूसरा फायदा हो गया, तीसरा हो गया बेनिफिट टू लो इनकम ग्रुप, क्योंकि फूड ग्रेन बढ़ गया था, सप्लाई बढ़ गई थी, फूड ग्रेन के प्राइस नीचे आ गए थे तो बेनिफिट हुआ। ये 3 फायदे लिखने, क्वेश्चन घुमाया बहुत ज्यादा, घुमा दिया इसको। तो ग्रीन रेवोल्यूशन के 3 फायदे, ग्रीन रेवोल्यूशन वैसे क्या हो गया ये बताना है आपको, कैसे भारत की इकोनॉमी एक सरप्लस इकोनॉमी में कन्वर्ट हुई ये बताना है। ठीक है भाई, बहुत बढ़िया। अब क्वेश्चन नंबर 9 का ही और क्वेश्चन दिया हुआ है, और वाला कह रहा है इन इंडिया आफ्टर 1947 लैंड रिफॉर्म्स वर इंट्रोड्यूस्ड ऑन अ लार्ज स्केल। बिल्कुल सही बात है, स्टेटमेंट दे दिया आपको। कह रहा है इन द लाइट ऑफ द गिवन स्टेटमेंट डिस्कस एनी वन सच लैंड रिफॉर्म। भैया लैंड रिफॉर्म 3-4 थे, अच्छे खासे थे। हालांकि लैंड रिफॉर्म सफल नहीं हो पाए पूरे इंडिया में, केवल 2 राज्यों में सफल हो पाए, वेस्ट बंगाल और केरला, ये बात सही है। लेकिन सरकार ने कोशिश तो की थी। तो लैंड रिफॉर्म में कोई एक को डिफाइन करना है तो लैंड सीलिंग को आप डिफाइन कर सकते हैं। लैंड सीलिंग क्या होती है भाई, किसी एक इंडिविजुअल पे ये लिमिट लगा देना कि भैया वो एक स्पेसिफिक लिमिट से ज्यादा लैंड ऑक्यूपाई नहीं कर सकता। अगर उसके पास एक लिमिट से ज्यादा लैंड है तो सरकार उस सरप्लस लैंड को छीन लेगी, ठीक है, और लैंडलेस लेबर को बांट देगी। तो लैंड सीलिंग इसके अंदर आप आराम से लिख सकते हो। ठीक है भाई, बहुत बढ़िया। अब क्वेश्चन नंबर 10 करते हैं, जो कि डोमेस्टिक इनकम, इसमें भी डोमेस्टिक इनकम निकलवा रहा है। क्वेश्चन नंबर 7 में भी निकलवाया था डोमेस्टिक इनकम, इसमें भी निकलवा रहा है। चलो भाई ये भी कर लेते हैं, है ना, यही कर लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 कर रहे हैं हम लोग, यानी कि आंसर 10 कर रहे हैं, आंसर 10, और यहां पे वो निकलवा रहा है आपसे डोमेस्टिक इनकम। तो भैया देखो, डोमेस्टिक इनकम एनडीपीएफसी पहले बता चुका हूं, मेथड नहीं लिखा तो आपको ढूंढना पड़ेगा कि इसके अंदर की कौन सा मेथड है इसके अंदर। तो मेथड अगर हम ढूंढे तो देखो, रेंट एंड रॉयल्टी लिखा है, इनडायरेक्ट टैक्स लिखा है, वेजेस एंड सैलरी लिखा है इसके अंदर, है ना, कॉर्पोरेट टैक्स साफ साफ पता लग रहा है, इनकम मेथड है, और इनकम मेथड में डायरेक्ट एनडीपीएफसी निकलती है, तो लिख देते हैं एनडीपीएफसी। तो डोमेस्टिक इनकम निकलती है एनडीपीएफसी, डोमेस्टिक इनकम, डोमेस्टिक इनकम, ठीक है, डोमेस्टिक इनकम निकलती है। डोमेस्टिक इनकम एनडीपीएफसी होती तो आप जानते हैं मिक्स इनकम एमआई
इसके अंदर होती है। इसके बाद इसके अंदर आता है आपका सीओई कॉम्पेंसेशन ऑफ एम्प्लॉय, इसके बाद आता है रेंट एंड रॉयल्टी, प्लस इंटरेस्ट आता है, प्लस प्रॉफिट आता है, ठीक है, आरआईपी रिप बोलते हैं। इन सबको ऐड करने से बनता है एनडीपीएफसी यानी कि डोमेस्टिक इनकम। आई होप यू गॉट दिस, ओके जी। अब इसको जरा सॉल्व करते हैं, है ना। तो सबसे पहला जो पॉइंट बनता है वो बनता है मिक्स्ड इनकम का, जो कि इसमें गिवन है। सेकंड लास्ट देखो, पॉइंट नंबर 9, मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड 1400 प्लस सीओई कॉम्पेंसेशन ऑफ एम्प्लॉयज, वो एक्चुअली क्वेश्चन इसमें नहीं दिया हुआ है, लेकिन उसकी जगह आपको नंबर 3 पे देखिए, वेजेस एंड सैलरी इन कैश एंड इन काइंड, यही होता है कॉम्पेंसेशन ऑफ एम्प्लॉयज, सीओई यही होता है। तो इसको लिख देते हैं 1700, वेजेस एंड सैलरी इन कैश एंड इन काइंड 1700, तो 1700 लिख दिया। प्लस इसके अंदर सोशल सिक्योरिटी कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं दिया हुआ है, इसको छोड़ देंगे। फिर रेंट एंड रॉयल्टी, रेंट एंड रॉयल्टी दिया हुआ है आपको 1300 प्लस इंटरेस्ट। देखिए ये हैरानी की बात है, इसके अंदर कहीं भी आपको इंटरेस्ट वर्ड नहीं दिया हुआ है, इंटरेस्ट नहीं दे तो भाई नहीं दे तो छोड़ देंगे भाई, या जीरो ले लो, एक ही बात है, तो हम यहां जीरो ले लेते हैं, जीरो प्लस। अब बात कह रहे हैं प्रॉफिट की, तो देखो भाई पी का मतलब प्रॉफिट है, प्रॉफिट यहां नहीं दिया, लेकिन प्रॉफिट के तीन पार्ट, प्रॉफिट के तीन पार्ट इसके अंदर दिए हुए हैं। तो कॉर्पोरेट टैक्स दिया 400, ब्रैकेट लगा के ऐड करते हैं 400 प्लस रिटेन्ड अर्निंग भी दिए 300, रिटेन्ड अर्निंग 300 दिए, तो इसको 300 को ऐड कर देंगे, 300 प्लस रिटेन्ड अर्निंग के बाद इसके अंदर दिया हुआ है आपको डिविडेंड्स 400, तो 400 भी यहां पे प्लस कर देंगे, ठीक है जी। चलिए अब इसको हम ऐड कर लेते हैं और हमारा आराम से निकल जाएगा एनडीपीएफसी डोमेस्टिक इनकम, ये पूछा उसने, और तो उसमें आलतू फालतू चीजें लेनी नहीं भाई, डेप्रिसिएशन दिया नहीं है ना इसके अंदर, है ना, और नेट फैक्ट्री इनकम फ्रॉम अब्रॉड -120 दिया हुआ है, वो एनएफआई होता है, वो तब लेते हैं जब नेशनल इनकम निकालते हैं, तो नेशनल इनकम निकाली नहीं है, डोमेस्टिक इनकम निकाली है, तो उसको नहीं लेते। चलिए इसको जल्दी से ऐड कर लेते हैं, तो भाई सब कुछ ऐड ही होना है, कुछ है ही नहीं बचा इसके अंदर, माइनस तो कुछ है ही नहीं, 1400 प्लस 1700 प्लस 1300 प्लस 400 प्लस 300 प्लस 400, ये आया 5500, 5500, ठीक है भाई, तो ये आया 5500, तो इसको लिख देते 5500, आंसर आ गया हमारा, और सारी वैल्यूज जो हमें रुपीज करोड़ में दी हुई है, तो 5500, 5500 करोड़ एनडीपीएफसी, एनडीपीएफसी, और इसको हम बॉक्स में डाल देंगे रेड मार्कर से, ये हो गया हमारा एनडीपीएफसी यानी कि डोमेस्टिक इनकम, ठीक है भाई लोग। तो देखिए ये हमारा क्वेश्चन हो गया है, क्वेश्चन नंबर 11 और है, इसके अंदर जल्दी से देख लेते हैं, छोटा सा ही है, कह रहा है स्टेट एंड एक्सप्लेन एनी टू मेन कॉजेज बिहाइंड इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट बाय ब्रिटिश रूल, ब्रिटिश रूल ने इंफ्रास्ट्रक्चर भारत में डेवलप क्यों किया, भाई जाहिर सी बात है इंडिया के फायदे के लिए तो किया नहीं होगा, उन्होंने ब्रिटिश वालों ने अपने फायदे के लिए किया, तो कई सारे पॉइंट्स बनते, जैसे उन्होंने रोड जो बनाई थी वो अपनी आर्मी को मोबिलाइज करने के लिए बनाई थी, उन्होंने जो रेलवे बनाई थी वो ब्रिटिश गुड्स को इंपोर्ट एक्सपोर्ट करने के लिए बनाई थी, मतलब वो पोर्ट तक लेके जाना चाहते थे उसको, ठीक है, तो देश के कोने कोने तक उनका फिनिश गुड्स बिक सके इसलिए उन्होंने रेलवे बनाई थी, ये कहते हैं। उसके बाद उन्होंने कम्युनिकेशन, जो उन्होंने पोस्ट ऑफिस जो बनाया, जो उन्होंने पोस्टल सिस्टम इंडिया में डेवलप किया, वो लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए उन्होंने किया, ठीक है, सड़क वगैरह बनाई तो मैंने बताया आर्मी को मोबिलाइज करने के लिए बनाई, तो सभी की सब चीजों में अंग्रेजों का खुद का स्वार्थ था इसलिए उन्होंने सारे डेवलपमेंट किए, ठीक है भाई। तो यहां पे 11 क्वेश्चन मैंने आपको करा दिए हैं, ये जो पेपर था विद्या निकेतन स्कूल का था, 20 नंबर का ये पेपर था, 45 मिनट का ये पेपर था, इसमें आपको 45 मिनट में सॉल्व करना था, ठीक है जी। तो भाई कैसा लगा आपको ये पेपर मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, क्या आपको ये पेपर आसान लगा, डिफिकल्ट लगा, कौन सा क्वेश्चन आपको बहुत डिफिकल्ट लगा, कौन सा बहुत आसान लगा, आप कमेंट बॉक्स में लिख के मुझे बताइए। इस वीडियो में इतना ही, अगर कुछ पूछना है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, अगर ये वीडियो आपके किसी दोस्त को पसंद आ सकती है, उसको जरूरत है, तो इसको शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होगी, थैंक यू सो मच, नमस्ते।